Welcome to the Formula Foundation. In this video, we will cover So in previous video, we derived the equation of different types of parabolas like y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, and x square is equal to 4ay, and x square is equal to minus 4ay, right? और इन तमाम इक्वेशंस में एक चीज़ कॉमन थी कि इन तमाम इक्वेशंस का वर्टेक्स ओरिजिन था, राइट? लेट अगेन कंसीडर द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. लेट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला. सो हेयर ए इज़ पॉजिटिव, सो ओपनिंग ऑफ द पैराबोला विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट? And vertex will be at origin, and directrix is parallel to y-axis, and axis of the parabola is on x-axis, right? अब अगर मैं इस parabola को इस तरह मूव करूँ कि इसका जो axis है वो इस x-axis के ही parallel रहे, means अभी इसका जो इस parabola का जो axis है वो x-axis है, right? अब मैं इसको move करती हूँ इस तरह कि जो इसका जो axis है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहे, राइट? जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इस पैराबोला को उठाकर यहाँ रख दूँ इस तरह, मींस मैंने इस पैराबोला को उठाकर एक्स एक्सिस के अपवर्ड मूव कर दिया, राइट? अब इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा? ये लाइन, मींस दिस लाइन इज़ द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, राइट? मींस इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो मूवमेंट के बाद जब हमने इस पैराबोला को अपवर्ड एक्स एक्सिस के अपवर्ड मूव किया तो जो इसका एक्स एक्सिस है वो इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहा, राइट? लेकिन अब जो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं है. यहाँ पर जो पैराबोला था इसका वर्टेक्स है ओरिजिन, राइट? लेकिन यहाँ पर इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है बल्कि कोई दूसरा पॉइंट है. लेट्स से वो पॉइंट है एच कॉमा के, राइट? सो पैराबोला की ऐसी मूवमेंट जिसमें उसका एक्सिस किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो लेकिन उसका वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो, देन इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. अगेन आई एम रिपीटिंग कि पैराबोला की ऐसी मूवमेंट जिसमें उसका एक्सिस किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, मीन्स या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, राइट? सो किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो लेकिन उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो, देन इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, राइट? आई होप यू गॉट इट. एंड इन दिस सिचुएशन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज ओरिजिन इज़ द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, राइट? जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? मीन्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है ये, राइट? और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो है ये, राइट? नाउ लेट पी इज़ अ पॉइंट, एनी पॉइंट पी. सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होंगे? एक्स वाई, राइट? और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन एक्स प्राइम वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी एक्स प्राइम वाई प्राइम, राइट? इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड एक्स वाई? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स द डिस्टेंस इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पी. सो इट इज़ द डिस्टेंस x, right? And this is the distance y, right? So coordinates of p are x and y. Now in this coordinate system, x prime y prime coordinate system, coordinates are x prime y prime. So it means that this distance is x prime, right? And this distance means let me change the color. This distance is y prime, right? X prime and y prime. So coordinates of p in x prime y prime coordinate system are x prime y prime, right? Now x prime y prime coordinate system का जो origin है
एक पॉइंट था एच कॉमा के इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. मीन्स इफ यू लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देन इट विल बी एच कॉमा के, एच कॉमा के, राइट. सो दिस होल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स. मीन्स एक्स इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस विच इज एच, राइट. मीन्स कोऑर्डिनेट्स आर एच कॉमा के. इट मीन्स दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एच एंड दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू के, राइट. सो डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एंड दिस डिस्टेंस. एंड वॉट इज दिस डिस्टेंस? इट इज इक्वल टू एक्स प्राइम. सो टोटली एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस एच. एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस एच. एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस वाई, वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस दिस डिस्टेंस. एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू के, राइट. सो वाई डिस्टेंस वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम बिकॉज इट इज वाई प्राइम. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस के. सो वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, y is equal to y prime plus k, y prime plus k, right. So it is a relation between x and x prime, that x is equal to x prime plus h and y is equal to, means this length is equal to, y means coordinate of a point p in xy coordinate system. So y is equal to y prime plus k, right. So we can write x prime is equal to x minus h, right, and y prime is equal to y minus k, right. And these equations are called the translation equations. These equations are called the translation equations, right. So let me solve a question. So here is a question: determine the focus, vertex and directrix of the parabola x square plus 6x minus 8y plus 17 is equal to 0. So x square plus 6x minus 8y plus 17 is equal to 0 and it is equation 1. And we can write equation 1 as, x square plus 6x is equal to 8y minus 17, right. Now let me make the left hand side as perfect square. So x square plus 6x plus 9 is equal to 8y minus 17 plus 9. Now left hand side becomes x square plus, means it can be written as 2 into 3x plus 3 square is equal to 8y minus 17 plus 9 is equal to 8, right. So it is a perfect square. So x plus 3 whole square, means this side is equal to x plus 3 whole square, it is a perfect square, is equal to 8 y माइनस वन, राइट. मीन्स क्वेश्चन में जिस वेरिएबल पर स्क्वायर होगा उसी के टर्म में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. मीन्स यहाँ पर x पर स्क्वायर था तो x के टर्म में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, राइट. एंड अदर वेरिएबल इज लीनियर, राइट. नाउ लेट x प्लस थ्री, इज इक्वल टू x प्राइम एंड y माइनस वन इज इक्वल टू y प्राइम, राइट. नाउ रिमाइंड ट्रांसलेशन इक्वेशंस. So here x prime is equal to x minus h and y prime is equal to y minus k. So we can write or we can replace x prime by x minus h and y prime by y minus k. X minus h is equal to x plus 3 and y minus k is equal to y minus 1, right. And it is an equation 2. So equation 2 becomes
means when we replace x plus 3 by x prime and y minus 1 by y prime. So equation 2 becomes x prime square is equal to 8 y prime, right? And it is the standard form of parabola in x prime y prime coordinate system. Means it is a standard form. It is an standard form of parabola. Form of parabola. That is x square is equal to 4ay in x prime y prime system. Right. Now what is the value of a in this equation? So to find a, 8y prime is equal to 4ay prime. So it implies that a is equal to 2. Right? And vertex of this equation in x prime y prime coordinate system is, vertex is at origin, right? But in x prime y prime coordinate system, right? But we are required the focus, vertex and directrix of the given parabola in x y coordinate system, right? So let's see. Now x prime y prime is equal to 0 0 means vertex in x prime y prime coordinate system, and x prime is equal to x plus 3. So it means that x plus 3 is equal to 0, and y prime is equal to y minus 1. It means that y minus 1 is equal to y prime, and y prime is equal to 0. Means हम x prime y prime coordinate system का जो origin है उसको in terms of x y coordinate system देख रहे हैं, right? So इसके लिए हम equate करेंगे x plus 3 is equal to 0 and y minus 1 is equal to 0. It implies that x is equal to minus 3 and y is equal to 1. Means x prime y prime coordinate system में जो origin है वो x y coordinate system में क्या होगा? X is equal to minus 3 and y is equal to 1, right? So vertex in xy system is x comma y is equal to minus 3 comma 1, right? I hope you are getting ke x prime y prime coordinate system mein vertex kya tha? Origin tha. Aur wahi origin xy coordinate system mein kya hoga? Minus 3 and 1, right? Now let me find focus of the parabola. So in x prime y prime coordinate system, focus is in x prime y prime system, coordinates of focus is 0 comma a, right? We have seen in the previous video. So now we are going to find the focus, means coordinates of the focus in x y coordinate system, right? This is the coordinate, this is the coordinates of the focus in x y prime coordinate system, and here a is equal to 2. So coordinates of focus in this question are 0 comma 2. Now again using the translation equation, so x prime is equal to x plus 3, right? And y prime is equal to y minus 1. Now x prime is equal to 0 in this time. X prime is equal to 0 and y prime is equal to 2. Means we are required to find the coordinates of a point in x y coordinate system when x prime y prime coordinate system the coordinates of a point are 0 comma 2. So how we find x prime is equal to 0 is equal to x plus 3. It implies that x is equal to minus 3, right? And y prime is equal to 2. So 2 is equal to y minus 1. It implies that y is equal to 3, right? So focus of the parabola in xy coordinate system is coordinates of the focus in xy coordinate system. Coordinates of f in xy system is f minus 3 comma 3, right?
Now equation of the directrix. Equation of the directrix. So again I am repeating, in x prime y prime coordinate system, in x prime y prime coordinate system, equation of parabola, given parabola is x prime square is equal to 8y prime, right? And a is equal to 2. And since it is the standard form of the parabola in x prime y prime coordinate system, of the form it is of the form x square is equal to 4ay, where a is equal to 2, right? X prime y prime. So you know is equation ka graph kya tha? Aisa graph tha jiski opening towards positive y axis thi, right? Ye x axis and it is the directrix, right? It is the directrix, and equation of the directrix is y is equal to minus a, where coordinates of focus are 0 comma a, right? So equation of directrix is y is equal to minus a, and here a is equal to 2, so y is equal to minus 2 in x prime y prime system. So what is the equation of directrix in x y coordinate system which is required? So let me find, it is y prime, right? So y prime is equal to y minus 1. Y minus 1 is equal to, means we can write y minus 1 in place of y prime. So y minus 1 is equal to minus 2. It implies that y is equal to minus 1, right? So it is the equation of the directrix in xy coordinate system, right? So it is the way through which you can find the equation of the parabola when x's are translated, right? So focus of the given equation is minus 3 comma 3, vertex is minus 3 comma 1, right? And directrix is y is equal to minus 1, right? So by using this information, parabola will be look like, now it is x prime y prime coordinate system. These two blue lines shows the x prime axis and y prime axis, right? And in x prime y prime coordinate system, equation of the given parabola is x prime square is equal to 8y prime square. यही थी इक्वेशन. अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को x prime y prime कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें, तो इस इक्वेशन का जो वर्टेक्स है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वो ओरिजिन है, राइट? सो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, राइट? सो इसका वर्टेक्स है 0,0, राइट? और इसका जो a है, a इज इक्वल टू 2, राइट? सो इसका फोकस क्या होगा? 0, a means इसका फोकस y prime axis पर 2 units upward होगा, right? So parabola की shape कुछ इस तरह होगी, right? अच्छा, अब अगर इसी parabola को हम, इस parabola के जो vertex है, focus है, उसको हम x y coordinate system में देखें, तो वो क्या होगा? कि let's suppose ये है x y coordinate system, means this green line is x axis and this green line is y axis, right? So अब इस x y coordinate system में जो parabola है, उसका focus minus 3 comma 3 है. It means that focus is यहाँ से अगर हम count करें तो 0, minus 1, minus 2 and minus 3, and y coordinate is 3. So it is 1 unit, 2 and 3. So focus is minus 3 comma 3. It is a focus, right? With respect to x y coordinate axis, जबकि x prime y prime coordinate axis के respect से जो इस parabola का जो focus था, वो क्या था?
0,2, right? But we are required the all the things in xy coordinate system, right? So focus is -3,3, vertex is -3,1, -3,1 means x-axis per -3 units, and here 1, it is a 1 unit, right? So ye hai hamara vertex of the parabola in xy coordinate system, right? Yani jo x prime y prime coordinate system mein vertex tha, wo origin tha, right? It is the origin of x prime y prime system, and this point in xy coordinate system is -3,1, right? And directrix is equal to y is equal to -1, right? So in y prime x prime y prime coordinate system, y prime is equal to -2 is the directrix, but we are required the directrix in xy coordinate system. So xy coordinate system mein directrix kya tha hamare paas, y is equal to -1. So it is the line y is equal to -1, right? Means ye hai 1 unit, to ye hai -1 unit, ye origin hai, origin se 1 unit downward, right? So y is equal to -1 is the directrix of the parabola, given parabola, right? So agar hum x prime aur y prime coordinate ko ignore kar dein, to ab jo parabola hai wo ek ट्रांसलेटेड पैराबोला है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. बिकॉज ये एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, उसमें जो वर्टेक्स है वो ओरिजन है, राइट? बट यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजन ये यहाँ पर है. मीन्स इसको, इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म से उठाकर यहाँ ट्रांसलेट किया गया है. सो आई होप यू गॉट इट. दैट्स इट.